नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सिलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के रिकॉर्ड 24,850 नए मामले, 613 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वंदे भारत मिशन पर अमेरिका के लिए 36 फ्लाइट संचालित करेगा एयर इंडिया। 6 जुलाई से होगी टिकटों की बुकिंग। वहीं केरल में एक साल तक लागू रहेंगे कोरोना के बचाव के दिशा निर्देश, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। वहीं दिल्ली में महंगे पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी आपको घेरा, साइकिल से सांसदों के घर पहुंच प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। वहीं सीमा विवाद और कोरोना वायरस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, अस्पताल और बॉर्डर पर पूरी तैयारी। वहीं यूजीसी गाइडलाइंस का इंतजार बढ़ा, रद्द हो सकती है फाइनल की परीक्षाएं। वहीं भारत में बैन हुए 40 वेबसाइट, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की वजह से लगा प्रतिबंध। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, भोपाल पहुंचते ही आवंटित किए जाएंगे विभाग। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकन जूम ऐप को टक्कर देने के लिए रिलायंस लाया जियोमीट, सालाना बचेंगे 13,500 रुपए। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के रिकॉर्ड 24,850 नए मामले, 613 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन से सबसे ज्यादा नए केस सामने आए, वहीं एक दिन सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 24,850 नए मामले सामने आए, जबकि 613 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। अब देश में कोरोना के 673,165 केस हैं, इसमें से 19,268 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस संक्रमण से अब तक 409,082 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं देश में 244,814 एक्टिव केस हैं, इसका इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 14,855 मरीज ठीक हुए। भारत में इस समय रिकवरी रेट 60% है। वहीं अगली बड़ी खबर, वंदे भारत मिशन पर अमेरिका के लिए 36 फ्लाइट संचालित करेगा एयर इंडिया। 6 जुलाई से होगी टिकटों की बुकिंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से अमेरिका में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया 36 फ्लाइट संचालित करेगा। एयर इंडिया से मिली जानकारी के मुताबिक इन फ्लाइटों का संचालन वंदे भारत मिशन के तहत किया जाएगा। ये सभी 36 उड़ानें 11 से 19 जुलाई तक उड़ान भरेंगी। 6 जुलाई 2020 को अमेरिका के लिए अलग अलग शहरों से अलग अलग टाइम पर टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। इसमें 6 जुलाई को सुबह 2 बजे शुरू होगी, जबकि न्यूयॉर्क में सुबह 10:30 बजे होंगे। वहीं शिकागो में सुबह 9:30 बजे बुकिंग शुरू होगी, जबकि सैन फ्रांसिस्को में सुबह 7:30 बजे बुकिंग शुरू होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सस्पेंड कर रखा है। ऐसे में विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के तहत अब कई देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी भी हुई है। इसके बाद अब अमेरिका में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया 36 विमान का संचालन करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, केरल में एक साल तक लागू रहेंगे कोरोना से बचाव के दिशा निर्देश, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते लगातार मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने फैसला लिया कि राज्य के लोगों को कोरोना से बचाव के दिशा निर्देश से एक साल तक पालन करने होंगे। रविवार को राज्य सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बचाव के लिए लाए गए सुरक्षा नियम एक साल तक लागू रहेंगे। कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं केरल ने ये दिशा निर्देश 31 जुलाई 2021 तक जारी रहेंगे, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसके दौरान किसी भी प्रकार की सामाजिक सभा, प्रदर्शन, जुलूस समेत किसी भी भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम बिना संबंधित अधिकारी के लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। अनुमति मिलने पर भी ऐसे कार्यक्रमों में 10 से ज्यादा लोगों को शामिल करने की इजाजत नहीं होगी। दिशा निर्देश के मुताबिक अब लोगों को अगले साल 31 जुलाई तक कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। इनमें सभी स्थानों पर मास्क पहनना और 6 फुट की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार इस दौरान विवाह कार्यक्रम में जहां 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में महंगे पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी आप सरकार को घेरा, साइकिल से सांसदों के घर पहुंच प्रदेश अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर राजधानी दिल्ली ने कांग्रेस के केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर लोगों को राहत देने की मांग को लेकर रविवार को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी साइकिल चलाकर दिल्ली के सांसदों के घर पहुंच गए और ज्ञापन दे दिया। इस दौरान रियासत की एक तस्वीर अलग नजर आई। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खुद विरोधी दल के नेता से ज्ञापन ले लिया। मनोज तिवारी ने खुद माना कि महंगे पेट्रोल डीजल से लोग परेशान हैं। दिल्ली के बीजेपी के 7 लोकसभा और आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों के सरकारी आवास पर जाकर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने उसे पेट्रोल डीजल पर लगने वाला उत्पाद शुल्क वेट कम कर घटाने की मांग की है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। चौधरी ने आरोप लगाया कि एक तरफ केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में लगातार 22 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, वहीं दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल पर अधिकतम 30% वेट वसूल रही है। हालत यह है कि दिल्ली में पेट्रोल के मुकाबले डीजल महंगा हो गया। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से लोगों की कमाई चौपट है
और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत भी कम है। बावजूद इसके महंगाई का बोझ आम आदमी के सर पर लता जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर सीमा विवाद और कोरोना वायरस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, अस्पताल और बॉर्डर पर पूरी तैयारी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के भीतर कोरोना संक्रमण के संकट और देश की सीमा पर चीन जैसे पड़ोसी देश के साथ चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के अस्पतालों में और बॉर्डर पर सेना पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह ने यह बात दिल्ली में बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल के दौरे पर कही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नवनिर्मित अस्पताल का दौरा किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड 19 के मरीजों के इलाज के लिए नवनिर्मित 1000 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल का रविवार को दौरा किया। इस दौरान पत्रकारों ने रक्षा मंत्री के लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि अस्पताल हो या बॉर्डर, हमारी तैयारी हमेशा रहती है। वहीं अगली बड़ी खबर यूजीसी गाइडलाइंस का इंतजार बढ़ा, रद्द हो सकती है फाइनल की परीक्षाएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फाइनल ईयर के सेमेस्टर परीक्षाओं की नई गाइडलाइंस का इंतजार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि यूजीसी गाइडलाइंस बहुत जल्द यानी अगले 1-2 दिन में जारी कर सकती है। इसी बीच राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत देश के अन्य कई विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द किए जाने का फैसला लिया जा चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस में भी फाइनल परीक्षाओं को रद्द किए जाने का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री HRD रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि उन्होंने कोरोना वायरस और छात्रों के हित में ध्यान में रखते हुए UGC को निर्देश दिया है कि वह गाइडलाइंस पर पुनर्विचार करे। वहीं अगली बड़ी खबर, भारत में बैन हुई 40 वेबसाइट, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की वजह से लगा प्रतिबंध। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 40 वेबसाइटों पर भारत सरकार की गाज गिरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 40 वेबसाइटों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। प्रतिबंधित गठबंधन सिक्स फॉर जस्टिस SFJ से जुड़ी 40 वेबसाइट पर अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा रोक लगा दी गई। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने रविवार को दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और भोपाल पहुंचते ही आवंटित किए जाएंगे विभाग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात की है, जिसे लेकर राज्य में खींचतान चल रही है। शिवराज सिंह चौहान इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से भी मिले। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विवाहों के बंटवारे को लेकर चल रही उठापटक के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक के बाद चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो गया है, विभाग मेरे भोपाल पहुंचने के बाद आवंटित किए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, अमेरिकन जूम ऐप को टक्कर देने के लिए रिलायंस लाया जियोमीट, सालाना बचेंगे 13,500 रुपए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि फेसबुक और इंटेल जैसी कंपनियों को अपने डिजिटल कारोबार में हिस्सेदारी बेचकर अरबों डॉलर जुटाने के बाद अब रिलायंस ने जूम को कड़ी टक्कर देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियोमीट पेश किया है। इसमें 80% मुफ्त कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। बीटा परीक्षण के बाद जियोमीट एंड्रॉइड, iOS, विंडोज और वेब पर गुरुवार से उपलब्ध हो गई है। खास बात यह है कि इसमें जूम की तरह 40 मिनट की समय सीमा नहीं है, इसमें एक साथ 100 लोग जुड़ सकते हैं। जियोमीट के जरिए एक दिन में कितनी भी बैठक आयोजित की जा सकती है। कोई भी बैठक बिना किसी बाधा के 24 घंटे चल सकती है। प्रत्येक बैठक पासवर्ड से संरक्षित है। वहीं अगली बड़ी खबर, रिकॉर्ड 11 दिन में तैयार हुआ DRDO का 1000 बेड वाला कोविड अस्पताल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि CM अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली में DRDO से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड 19 अस्पताल का दौरा किया। नए अस्पताल में 1000 बेड की क्षमता, जिसमें 250 ICU बेड शामिल हैं, जो गंभीर मरीजों के लिए सुरक्षित हैं। वहीं केजरीवाल ने कहा कि अभी के लिए अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 15,000 से अधिक बेड हैं, जिसमें से 5,300 भरे हैं, और DRDO का 1000 बेड का कोरोना वायरस अस्पताल बनकर तैयार है। मैं दिल्ली के लोगों से और केंद्र सरकार के लिए धन्यवाद देता हूं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड 19 अस्पताल का दौरा किया। DRDO ने 11 दिनों में दिल्ली के कैंट इलाके में अस्थायी ढांचे के रूप में अस्पताल का निर्माण किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, विशेषज्ञों का अनुमान कि कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच कर विभाग को अतिरिक्त उपाय करने पड़ सकते हैं और विधायी प्रावधानों के अनुपालन में करदाताओं की मदद के लिए समय सीमा को आगे बढ़ाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने यह अनुमान व्यक्त किया है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व परिस्थितियों में करदाताओं की मदद के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि जब तक सामान्य स्थिति नहीं लौट जाती, कुछ अतिरिक्त उपाय किए जाने की जरूरत है। कर विभाग ने महामारी तथा इसी रोकथाम के लिए बार बार लगाए गए लॉकडाउन के समय पर भी करदाताओं को अनुपालन में मदद करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं को आगे बढ़ाया है। वहीं अगली बड़ी खबर, टिकटॉक पर भारत में रोक लगने से 6 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर मालिकाना हक रखने वाली चीन की वाइट डांस कंपनी
लिमिटेड को भारत ने उसके 3 ऐप पर रोक लगाए जाने से 6 अरब डॉलर के अधिक का नुकसान होने का अनुमान बताया। कंपनी की 2 अन्य ऐप विंगो वीडियो और हेलो हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने सोमवार को चीन की कुल 59 ऐप पर रोक लगा दी थी। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार को बड़ा झटका, यमुना किनारे से हटाया जा सकता है सबसे बड़ा बस डिपो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यमुना की सफाई की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की तरफ से नियुक्ति समिति ने दिल्ली परिवहन निगम से अनुशंसा की है। मिलेनियम बस डिपो को यमुना किनारे से स्थानांतरित किया जाए। समिति ने यह भी कहा कि पर्यावरण के लिहाज से यह असुरक्षित है। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, पूछा पिछले हफ्ते राज्य में करीब 50 हत्याएं हुई, जवाबदेही किसकी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते यूपी में करीब 50 हत्याएं हुई हैं। आंकड़ों के अनुसार कई अपराधों में यूपी देश में टॉप पर रहा, जवाबदेही किसकी है। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश में करीब 50 हत्याएं हुई। सीएम के प्रचार में तो यूपी अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आंकड़ों के अनुसार कई अपराधों में यूपी देश में टॉप रहा है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ तथा दक्षिणी गुजरात में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। इन भागों में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा हो सकती है, भारी बारिश भी कहीं कहीं हो सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, रॉयलसीमा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1-2 स्थानों पर बारिश के आसार हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।